LIFT बनाना है, LIFT ऑर्डिनेटल लिफ्ट। ओके, LI इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, IF इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, TL इज 2.5 सेंटीमीटर, LF इज 4.5 सेंटीमीटर, एंड फाइनली IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारे मेजरमेंट दिए हुए हैं और आपको बनाना है क्वाड्रिलेटरल लिफ्ट। तो हम एक रफ फिगर सबसे पहले बनाएंगे, LIFT, है ना, LIFT। मेजरमेंट लिख लेते हैं, LI है 4, ठीक है, IF है 3, और TL कैसे बनेगा, ये रहा TL, TL है 2.5, LF इज दिस साइड डायगोनल विच इज 4.5, एंड फाइनली IT इज दिस साइड IT। और IT का लेंथ कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो इसमें मुझे हमें ट्राइंगल दिख रहे हैं जो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। या तो हम ये वाला ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लें जिसके तीनों साइड, और वो देख लो कि कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। नीचे वाला ट्राइंगल अगर हम देखते हैं, ये वाला दो साइड का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा आ रहा है, कोई भी दो साइड ले लो तो ये कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। दूसरा भी हम ट्राइंगल ये वाला अगर देखते हैं, दो साइड का सम थर्ड साइड से बड़ा आ रहा है ना, तो ये कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। LF कितना है, 4.5, तो यहां से 4.5 इतना होगा ना, सही है 4.5। यस, तो 4.5 लाइन का हमने LF बना दिया है, इसको बोलो L और F। अगर LF हमने ये डायगनल ले लिया है, ये वाली है ना, तो देखो LIFT LF के एक तरफ I है, एक तरफ T है, तो हम ये सोच सकते हैं कि हम I ऊपर ढूंढ दें और T नीचे ढूंढ लें, है ना, फिर ये LIFT ऐसा बन जाएगा। आई ढूंढने के लिए आपको क्या करना है, एल से कितनी दूर है आई, 4, और एफ से कितनी दूर है, 3। तो एल से आप 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क लगा सकते हो, यहां से 4 सेंटीमीटर रेडियस का आर्क ये है, और इसको आप 4 सेंटीमीटर, ये आपका 4 सेंटीमीटर है। लॉक कर लीजिए, 4 सेंटीमीटर का आर्क एल से लगा रहे हैं आई की तरफ, ये रहा, तो ऐसे एक आर्क लगा दिया। अच्छा, एफ से आपको 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है, अगेन मेजर 3 सेंटीमीटर, यहां से 3 सेंटीमीटर, लॉक करना जरूरी है, नहीं तो हिल जाएगा, और हिलेगा तो कंस्ट्रक्शन गलत आ जाएगा, है ना। तो ये इधर आर्क लगेगा, मिल गया आई, है ना। क्वाड्रिलेटरल बनना है तो 4 पॉइंट ही तो आपको लोकेट करने हैं, आपको 2 पॉइंट तो पहले ही मिल गए, ये तीसरा पॉइंट भी मिल गया, आई मिल गया, एल एफ तो था ही, आई मिल गया। अब हमें टी निकालना है, टी निकालने के लिए यहां से देख लो, टी कहाँ, इधर है ना, टी है आई से तो 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है और एल से 2.5, तो आप क्या करोगे, इस आई से 4 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाओगे और एल से 2.5 का लगाओगे, 2.5, ये रहा आपका 2.5, है ना, यस, तो इसको लॉक कर दो, और एल से आपको 2.5 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाना है नीचे यहाँ कहीं, ठीक है। और फिर एक और आर्क आपको चाहिए 4 सेंटीमीटर का, जो आई से लगाओगे, देखो ये रफ फिगर ही हमें बता रहा है सब कुछ, आई से जो टी है वो 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है। चलिए जी, 4 सेंटीमीटर का आर्क बनाइए, ये रहा, ठीक है ना, लॉक कर लीजिए, और यहाँ से
दिस इज द पॉइंट एंड ड्रॉ दिस आर्क। ओके, तो आपको चारों पॉइंट मिल गए क्वाड्रिलेटरल के, तो आपको क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, उनको ज्वाइन कर दो स्केल से सिंपली। तो एल आई एफ ये पॉइंट आपका डी। ओके, सिंपली ज्वाइन, आप स्केल को यूज कर लेना इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए, पॉइंट टू पॉइंट आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया। इसमें एक दूसरी मेजरमेंट जो आई आई टी है 4 सेंटीमीटर की, वो अभी आप दिखा सकते हो कि जो आपकी ये आई टी है ये कितने की है, ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे मेजरमेंट लिख लेते हैं 4, और एल टी आपके पास है 2.5। ओके, एल एल एंड आई, एल आई इज 4, आई एफ इज 3 साइड एंड 2 diagonals, यू आर गिवन दिस साइड ऑल्सो एल एफ। This LF side was 4.5. So this is the required quadrilateral lift.